हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, MSc LLB BEd। बच्चों, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंटर इन 2021। 2021 आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। एंड नाउ टुडे इज द डे ऑफ क्रिसमस, तो ऑल ऑफ यू वेरी मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की सभी बच्चों को बधाई, जो मेरे बच्चे हैं पेपर देने वाले हैं, नहीं पेपर देने वाले हैं, है ना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी फॉलोअर हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामना एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपको मैं पैराडाइज स्टडी कैंपस पे कई सारी केमिस्ट्री की क्लासेस दी हैं। एंड यू आर गोइंग टू अपियर ऑन द 7th ऑफ फेब फॉर CDS एग्जाम, CAPF के एग्जाम का। मैंने शुभेंदु गुप्ता, वेलकम। CAPF के एग्जाम का बच्चों आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, और मैंने साइंस के क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया है, तो आप उसको देख रहे होंगे, मैच किए हैं, और आपने बताया है कि इट इज वेरी वेरी दैट इज गुड। आउट ऑफ 26 हमारे बच्चे ने जो अटेम्प्ट किया, है ना, जो गौरव बता रहा था, उसमें 22 क्वेश्चन उसके राइट हैं, और जो हमारे कराए हुए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए हैं, 3-4 क्वेश्चन बेशक अलग से आए हैं क्वेश्चन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, 2021 का CDS का पेपर आपका मेन एम होना चाहिए, एंड अप्रैल 18 का NDA का पेपर, CDS CAPF FCAT के लिए बच्चों हमने आप एक बैच लॉन्च किया है, जो ऑलरेडी 4-5 क्लास हो चुका है। मेघना, वेलकम, न वेलकम। तो मैं आपको एक बैच लॉन्च किया हूं, जिसका नाम है लक्ष्य CDS 2021, जिसकी क्लास मैंने 4-5 दे दी है। बच्चों, उसमें जो आपका रिस्पॉन्स है वो देख के मैं बहुत खुश हूं। इसी तरह का रिस्पॉन्स आप बनाए रखिए। 1 month में आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी कराई जाएगी। 1.5 month हो जाता है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 5th फरवरी तक चलेगा। 21st ऑफ दिसंबर से मैंने शुरू किया है। कंप्लीट 1.5 month आपकी क्लास चलेगी, जिसमें 45 लेक्चर में मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एज वेल एज इकोनॉमिक्स टीच कर रहा हूं आपको। तो आप उसमें मेरा अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल करके और जल्दी से जल्दी एडमिशन पाइए। जो बच्चे एडमिशन किए लिए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और आपको बहुत ही ज़्यादा दैट इज सिंपल वे में क्वेश्चन समझाया जाएगा। जिन बच्चों ने मेरे बैच में दैट इज पीपी प्रीवियस में केमिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है, यूट्यूब के चैनल पे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज फिजिकल केमिकल चेंज, एसिड बेस एंड सॉल्ट, काफी सारे वीडियो हमने डाले हैं और लाइव क्लासेस दी है बच्चों, तो उसको आप जरूर से देखिए। देन यू विल एबल टू फॉलो द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स। मैंने बिल्कुल नया ढंग से डिजाइन किया है आपको। टॉपिक जो मैं कराना जा रहा हूं वेरी वाइटल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि कार्बन एक पेकुलियर एलिमेंट है। कार्बन की पेकुलरिटी 3 तरह से डिसाइड होती है बच्चों। आपको पता है कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट एलिमेंट है क्योंकि इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट मींस कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसको कहते हैं हम लोग टेट्रावेलेंसी। पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में है, एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द 14th ग्रुप है बच्चों। मेघना, अतुल, मीना, वेलकम, वॉल ऑफ यू वेलकम। बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूं कि कार्बन की 4 पेकुलियर प्रॉपर्टी होती है। यू हैव टू सी एंड वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कराया है, एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन का कराया है, उसके बाद हमने दैट इज थॉमसन का मॉडल कराया है, फिर तुमको हमने रदरफोर्ड मॉडल किया है, फिर नील बोर का मॉडल किया है, फिर बोर ब्यूरी मॉडल किया है। ये सभी लेक्चर आपको पैराडाइज स्टडी कैंपस के दैट इज चैनल पे प्रेजेंट है, तो आप सीरीज में देखिए।
मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे अगर लेक्चर को आप यहां फॉलो करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अन एकेडमी के प्लस के क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूं वहां पे तो आपको टोटल थॉरो पढ़ाई हो ही रही है। उसके बाद पैराडाइज स्टडी कैंपस पे भी आपको मैं कंप्लीट सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, एज वेल एज इन द स्पेशल क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन तैयार करने के लिए रेडी होते हैं तो आप टाइम में अगर फिक्स करते हैं तो हम आप यहाँ पे भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टी बच्चों एक होती है टेट्रावेलेंसी, ठीक है ना, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकेंड कार्बन की प्रॉपर्टी होती है स्मॉल एटॉमिक रेडियाई। स्मॉल एटॉमिक रेडियाई क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये 14th ग्रुप में है और आपको पता है कि एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस अप टू 17th ग्रुप एलिमेंट। हमने जब भी क्लास ली है तो बहुत सारे बच्चों को आश्चर्य होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज हमेशा डिक्रीज ही कैसे डिक्रीज करता है, बच्चे बताते हैं। मैं बताता हूं, नहीं बच्चों, 17 तक डिक्रीज करेगा और 18th ग्रुप का साइज बिगर देन फर्स्ट वन हो जाता है, क्योंकि वांडरवाल फोर्स काम करता है और कोवेलेंट रेडियस से वांडरवाल का रेडियस हमेशा बड़ा होता है। तो किसी भी पीरियड में एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस अप टू 17 एंड 18th ग्रुप साइज इज बिगर देन द फर्स्ट वन। तो 14th में कार्बन आता है तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पीरियड नहीं बढ़ता, पीरियड वही रहता है, दैट इज ऑर्बिट वही रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, प्रोटॉन भी बढ़ता है। प्रोटॉन का श्रीधर अय्यर, हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, विशाल सोनू, अतुल मीना, मेघना, शुभेंदु गुप्ता, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आप इसी तरह से प्रेजेंस यहाँ शो करेंगे कि तो मैं रेगुलर फीचर पे यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की MCQ भी ले आऊंगा, सब्जेक्ट भी लाऊंगा और आप इंजॉय करेंगे राइट फ्रॉम आज क्रिसमस से शुरू कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी था और बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, आज से मैं शुरू करता हूँ, तो रोज ही मैं आपको इस समय मिला करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए, आपको मैं बताया कार्बन की पेकुलियर प्रॉपर्टी होती है एक टेट्रावेलेंसी, दूसरा क्या होता है स्मॉल एटॉमिक रेडियस, 14 ग्रुप में है तो साइज छोटा होता जाएगा, एंड तीसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट विद इटसेल्फ, खुद से जोड़ने की क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। तो कार्बन 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 लॉन्ग चेन कार्बन बना सकता है और मिलियंस ऑफ मिलियन कंपाउंड बनाता है कार्बन, रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ओनली मेक 5 to 6,000 कंपाउंड। बच्चों कार्बन को छोड़ के बाकी एलिमेंट मात्र 5 से 6,000 कंपाउंड बनाते हैं, जबकि कार्बन अकेले मिलियंस ऑफ मिलियन कंपाउंड बनाता है। दैट्स व्हाई वी स्टडी द कार्बन इन ए सेपरेट केमिस्ट्री कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को एक अलग से केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव ब्रिंग दिस टॉपिक इन ए सेपरेट टॉपिक, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, और आपको मैं बता दूं NDA में 2 साल पहले क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि विच एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन होगा बच्चों। ठीक है, इट अकर इन फ्री स्टेट एज कोल, डायमंड, ग्रेफाइट। फ्री स्टेट मतलब किसी के केमिकल रिएक्शन नहीं करता, फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, जैसे कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन द मिनरल्स। तो कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है बच्चों, लेकिन एक इसके साथ और भी मैं बात बता दूं कि कार्बन को के कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट इट कंटेन कार्बन इट इज स्टडीड इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द फैक्ट सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट मैच विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एंड लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कार्बन, कार्बन का दैट इज परसेंटेज जो है एटमोस्फियर में कंपेयर करेंगे बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.033%, है ना, अर्थ क्रस्ट में कार्बन है 0.22%। ठीक है, तो इतना कम होने के बावजूद भी मेया सिन्हा वेलकम, है ना, इतना से कम काम का कार्बन कम होने के बावजूद भी कार्बन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, अब आ जाइए,
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन वेरियस फिजिकल फॉर्म बट इन द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रॉप। एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान हो परंतु परमाणु की संरचना अलग अलग होने के चलते भौतिक गुण अलग अलग होने क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं एलोट्रॉप या अप्रूप। गॉट इट? नाउ द कार्बन हैज टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टल में आपको पता है कि फिक्स शेप होता है। गौरव राठौर वेलकम। फिक्स शेप होता है क्रिस्टल का, और डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरेन फुलरेंस हो गया जिसको फुलरेन भी कहते हैं, क्यू कार्बन क्विंच कार्बन। ये मेरा गेस है, ये आने वाले एग्जाम में सिविल सर्विसेज के मेन में भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आएगा और सीडीएस सीएपीएफ में भी आ सकता है कि व्हाट इज फुलरेंस 2015 में, सॉरी व्हाट इज क्यू कार्बन। फुलरेंस तो आ ही चुका है कई बार, ठीक है। क्यू कार्बन चौथा का एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्यू कार्बन। और एमोरफस में तो आपको देखोगे कि कोल हो गया, वुड चारकोल हो गया, एनिमल चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, कोक हो गया, दीज आर कॉल एमोरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आप देख लीजिए कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म में एक क्रिस्टल फॉर्म में, एक एमोरफस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस एंड क्यू कार्बन, एमोरफस में कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोक। वी विल डिस्कस वन बाय वन, सिक्वेंशियल वे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखियो कार्बन डायमंड क्या है। डार्बन डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। सिंथेटिक डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म, हम लोग सिंथेटिकली भी बनाते हैं। वेद प्रकाश वेलकम, सभी लोग आ जाओ जल्दी बच्चों, सभी को मैसेज कर दो, बाकी जल्दी से जल्दी आ जाओ। तुम लोग को यहाँ पे मैं जीएस की टोटल सब्जेक्ट का एमसीक्यू कराऊंगा, टॉपिक कराऊंगा। अतुल मीना, मेघना अग्रवाल, विशाल सोनू, सब बच्चों को मैसेज कर दो फटाफट, और आप एक टाइम बना लीजिए रूटीन, मैं ही नहीं बना पाता हूं। नाउ आई एम फिक्स इट। आर्यन शर्मा खूब मैसेज उड़ा रहे हैं आप, दैट इज ग्रुप में बहुत अच्छा है, क्वेश्चन के कर्णधार बने हैं, हाँ बढ़िया है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए, क्लास में टिकिए, ठीक है ना। अब आ जाइए कार्बन हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, दैट इज डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। आज भी बच्चा कोई पूछ रहा था, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है बच्चों, कलरलेस होता है, शाइनिंग होता है, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल फॉर्म में हम देख ही रहे हैं। मैं हंसी मजाक कर रहा था, आप भेजिए दीजिए जो भी बताना है बताइए बच्चों को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई आर्यन शर्मा, ये मैं हिमाचल प्रदेश से हैं और ये सीडीएस में अभी एंट्री लेने वाले हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एक्स ग्रुप के लिए। कलरलेस होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है डायमंड, क्वेश्चन सब आते हैं एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, एफकैट में। बर्न्स इन एयर एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव CO2। प्योरेस्ट फॉर्म है तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा बच्चों, कुछ भी नहीं देगा, राख भी नहीं मिलेगा, ऐश भी नहीं मिलेगा। नहीं विश्वास है किसी को तो जला के देख ले, थोड़ा सा डायमंड छोटा सा लेके जला के देख लो, कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इनसॉल्युबल ऑल सॉल्वेंट है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी अमंग ऑल द मटेरियल्स, कोवैलेंट सॉलिड है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, केमिकली इनएक्टिव है, बॉन्ड डिस्टेंस इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट टू लाइट एंड एक्सरे। ओके, दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड आर्टिफिशियल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, द आर्टिफिशियल डायमंड इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंग द ऑल ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज 2.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। यूजेस में खूब क्वेश्चन आए हैं, मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में कराए हैं, यूज इन कटिंग ग्लास, मेकिंग बोर ऑफ द रॉक, रॉक को ड्रिल करने में, ड्रिलिंग में, एंड मेकिंग एब्रेसिव बनाने में। It is when it is cut at a certain angle and polished, brilliant light is refracted and that's why it is costly. Cost effect तो ज़्यादा इसका होने का मतलब है कि brilliance है इसमें, चमक है, गजब की तड़क बड़क है, हाँ वही तो लोग पसंद करते हैं, आपको भी यही पसंद है बच्चों, ठीक है। For making dyes बनाने में and for making draw
ड्रॉइंग थिन वायर फ्रॉम द मेटल्स, उसको डाई कहते हैं, उसको बनाने में आर्टिफिशियल डायमंड जो बनाया था सबसे पहले मोइशन ने बनाया था, मोइशन इन 1893, एंड ब्लैक डायमंड को बोट कहते हैं, ब्लैक डायमंड इज कॉल्ड बोट, ओके। When heated with K2Cr2O7 potassium dichromate के साथ अगर हीट करेंगे and concentrated H2SO4 sulfuric acid जिसको king of chemical कहते हैं at 200 degree centigrade it evolves CO2. K2Cr2O7 या concentrated मतलब pure form of अगर H2SO4 के साथ हम इसको हीट करते हैं तो CO2 निकलता है, small ash निकलेगा सिलका का and Fe2O3 का, ठीक है। नेक्स्ट है कि डायमंड का दैट इज कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, तो कॉस्ट डिपेंड अपॉन द लस्टर, चमक पे एंड कलर एंड साइज पे। वेट इज मेजर इन कैरेट, कैरेट में मेजर करते हैं बच्चों, और ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आ चुका है कई साल पहले कि 1 कैरेट का वेट कितना होता है, इट हैज बीन आस्क्ड। 1 कैरेट मीन्स होता है 2054 ग्राम, 2054 ग्राम, ठीक है, तो मिलीग्राम में 200 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, अगर 24 कैरेट है तो उतना 24, 1 कैरेट में इतना है तो 24 से मल्टीप्लाई कर लो, तो पूछा जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड डायमंड कितना, दैट इज 24 कैरेट गोल्ड को पूछा गया है कि गोल्ड कितना ग्राम कितना होता है, अगर 24 कैरेट होता है, सॉरी यहाँ पे हम दैट इज गोल्ड डिस्कस कर रहे हैं, ये तो 1 कैरेट में इतना ग्राम है, तो गोल्ड में अगर देखोगे कि 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 99.99%, है ना, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो सब लोग जानते हैं कि कैरेट में हम गोल्ड को ना, मैं गोल्ड को ही कैरेट में देखते हैं, लेकिन नहीं, डायमंड भी होता है और डायमंड में 1 कैरेट में 0.2054 ग्राम होता है, ठीक है। कुलिनन जो है लार्जेस्ट डायमंड है वेट में, और वो होता है तुमको 2032 कैरेट, ठीक है। एक्सटिलाइजर है 97.2 कैरेट, होप है 445 कैरेट, और कोही नूर जो हमारा है जो ब्रिटेन में अभी है महारानी के, है ना, दैट इज पैलेस में जो यहाँ से ले गए थे वो अंग्रेज, वो है 186 कैरेट, और पिट है बच्चों 136.2 कैरेट, गॉट इट। तो उसको हम आज टिकट लगा के जाके देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए एलोट्रॉपिक फॉर्म क्रिस्टलाइन में, आपको ग्रेफाइट है, सॉफ्ट होता है, क्वाइट रिएक्टिव है, स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, वैन डर वाल बॉन्ड है इनके बीच में, और कार्बन कार्बन उनका लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस है 0.14 नैनोमीटर है, और कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें, वैन डर वाल फोर्स दो लेयर के बीच में है, और दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, रिएक्टिव होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेल्ड टुगेदर बाय वैन डर वाल फोर्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, शाइनी ग्रे होता है बच्चों, ओपेक सॉलिड होता है, सॉफ्टर देन डायमंड है, स्लिपरी इन टच होता है ये, और डेंसिटी इसका 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, आपको मैं करा चुका हूं मेटल नॉन मेटल में ही भी कि दैट इज ग्रेफाइट इज द ओनली वन नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट्स वन लैटिस पॉइंट इज फ्री, वन लैटिस पॉइंट वन कार्बन दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्री मिलता है इसमें, ना प्योर फॉर्म होता है ये, बट लेस देन डायमंड, डायमंड इससे ज्यादा प्योर है बच्चों, और इसमें 95 से 97% तक कार्बन हो सकता है, और ये सारा पूछा जाता है डेटा बच्चों की बोन्स इन एयर एट 973 to 1073 केल्विन पे टू गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड खाली में निकलेगा इसमें से, ठीक है। वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमने डिस्कस कर लिया, और डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग हेक्सागोनल शीट्स होता है, बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर होता है देन डायमंड, इसका बॉन्ड डिस्टेंस होता है बच्चों 1.42 एंगस्ट्रॉम, सॉल्युबल इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट है, है ना, इन सॉल्युबल इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट है, लाइक वाटर में, अल्कोहल में, इथर में, इन सॉल्युबल है, आर्यन शर्मा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट ग्रेफाइट कैसे होता है, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एंथ्रासाइट कोल, जो सबसे सबसे टॉप क्वालिटी का कोल होता है,
विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन और सिल्का इन इलेक्ट्रिक फर्नेस में बनाया जाता है। यूजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूजेस पे खूब क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल होता है, दैट इज ग्रेफाइट। इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन द हैवी मशीन, फ्रिक्शन को जो कम करता है इसको लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूसिबल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, फर्नेस में मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देन कार्बन, कार्बन से ज्यादा मिलता है बच्चों। एंड कॉल्ड ब्लैक लेड भी कहते हैं इसको, ब्लैक लेड, काला सीसा, ठीक है। इट मेक इन मेकिंग द मॉडरेटर एट द एटॉमिक रिएक्टर, करा चुका हूं। एटॉमिक रिएक्टर में मॉडरेटर जो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करता है उसको मॉडरेटर कहते हैं। एंड मिक्स विथ क्ले टू मेक लेड पेंसिल, पूछा जाएगा बच्चों कि लेड पेंसिल में लेड कितना होता है, तो 0% लेड होता है, है ना। लेड पेंसिल में लेड मतलब पीबी, पीबी मतलब लेड, सीसा मेटल है ना, उसमें लेड 0 होता है। तो होता क्या है बच्चों, तो ग्रेफाइट एंड क्ले है ना, 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में 3 पार्ट ग्रेफाइट 1 पार्ट क्ले मतलब मिट्टी, तो बनता है लेड पेंसिल। बच्चे करके आते हैं, कहते हैं कि सर लेड पेंसिल में लेड हमने 100% मारा, हमने बोला 0% नंबर मिला, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए लेड पेंसिल में लेड 0% होता है, पीबी नहीं होता है, ग्रेफाइट एंड क्ले का मिक्सचर है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस, जो 1996 में खोजा गया था, न्यूली फाउंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। हम तो इससे भी एडवांस से कराएंगे, अभी क्यू कार्बन मैंने बोला है, लेकिन आप देखिए फुलरेंस है ना, न्यू क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स है, स्फेरॉइड इन शेप होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बोनेट्स में होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 60 to 350 और अबव होगा। सबसे कॉमन फुलरेंस आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, एसएससी में आ चुका है, C60 फुलरेंस इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाज द फर्स्ट टू बी आइडेंटिफाइड। इट कंटेन्स 60 कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल और सॉकर बॉल, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड बक्की बॉल। इट लुक्स लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, हैंस द नेम बकमिंस्टर फुलरेंस और सिंपली फुलरेंसेस कहते हैं बच्चों। तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि CDS CAPFF कैट के लिए है ना, दैट इज हमारा लक्ष्य CDS कोर्स 2021 लाइव हो चुका है 21 तारीख से। मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ, उसमें बायोलॉजी की 4-5 क्लास हो चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, चारों टॉपिक चारों सब सब्जेक्ट हम कराएंगे आपको अनएकेडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे। और उसके लिए रेफरल कोड है अतुल सिन्हा, उसका इस्तेमाल करके आप एडमिशन पाइए एंड एंजॉय कीजिए। आपको मैं 45 लेक्चर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स कवर करूंगा CDS 2021 के लिए, जो 7th of Feb को होने वाला है, 5th of Feb तक मेरा बैच चलेगा। बट इन बिटवीन मैं आपको लगभग 100 to 150 स्पेशल क्लास दे दूंगा, जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा विद ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर एज वेल एज द अदर That is resources जो हम आपको डिस्कस करेंगे। सभी कुछ होंगे बच्चों, उसमें आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने दैट इज पावर इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास भी बहुत ही इन्वॉल्विंग होगी, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरेंस जो है ये आपको बता दिया मैं, 1996 में डिस्कवर हुआ था। अब आ जाइए एक बहुत इंपॉर्टेंट एकदम अलग से पॉइंट मैं करा रहा हूं, टॉपिक जो मेरा गेस है 2-3 साल से करा रहा हूं, क्यू कार्बन। 2015 में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी US में इसको दैट इज क्लेम किया गया है कि एक कार्बन का न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एक्सपेक्टेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होने का ये चांस है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, ऑप्टिकल्स है, ग्लो करेगा, ग्लो व्हेन एक्सपोज्ड टू लो लेवल ऑफ एनर्जी एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू मेक है, बाकी से काफी इनएक्सपेंसिव है। क्लेम टू हैव रिप्लेस द डायमंड एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अभी आपको कंफर्म हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ कार्बन को इसने रिप्लेस कर दिया है, बट साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि ये कार्बन दैट इज डायमंड से भी हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाएगा। क्यू कार्बन, क्विंच कार्बन, क्वी कार्बन का मतलब क्विंच कार्बन होता है फुल फॉर्म। डिस्कवरी वाज अराउंड 2015, मैं 15 से ही करा रहा हूं, कैवेलियर के
है ना, दैट इज ब्रांच में, मैं तुमको मुखर्जी नगर में जब से खुला है तब से पूरा का पूरा साइंस में लेता रहा हूँ। एंड वहाँ पे भी कार्बन में हमने इसको हर साल कराया है, अभी आया नहीं है बट एक्सपेक्टेड है कि आएगा, ठीक है ना। हेड ऑफिस में भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपको कैवेलियर में, एंड आपको वहाँ पे ऑफलाइन बैच भी CDS CAPF FCAT की शुरू हो चुकी है। तो डिस्कवरी उसका वहाँ पे भी आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। तो वॉट एवर डू यू वॉन्ट, अगर आपको सी दैट इज यहाँ पे आना है पैराडाइज स्टडी कैंपस पे, वेलकम है सभी बच्चों का। प्रीवियस मेरे सारे लेक्चर केमिस्ट्री का देखिए वन बाई वन, आप पीछे का भी देखते जाइए और आगे देखते जाइए। और मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स के बुक पढ़ने नहीं पड़ेंगे अगर मैं कराऊंगा, यहाँ पे करा रहा हूँ। नवंबर में मेरे 15-16 लेक्चर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स में लगातार, इधर बीच में मैं छुट्टी में था, नाउ आई हैव स्टार्टेड। तो आपको इकोनॉमिक्स का भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप लेके आइए यहाँ पे मेरे साथ पढ़िए। अभी मेरा अगला टॉपिक इकोनॉमिक्स में होने वाला है बच्चों, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, और उसमें हम आपको प्लानिंग कमीशन एज वेल एज द नीति आयोग ये सारा डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के भी कुछ टॉपिक होने वाले हैं, बाकी है ना, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद सभी स्कीम्स कराए जाएंगे, है ना, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, बजट पूरा डिटेल, है ना, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, बैंकिंग एज एम डिटेल हमारे लेक्चर आ चुके हैं, वो आप देखिए, काफी कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे हमारे दैट इज प्लेलिस्ट में, ठीक है। डिस्कवरी वॉज मेड अराउंड 2015 एट नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी US में, एंड इट टुक साइंटिस्ट ओनली 15 मिनट टू मेक 1 कैरेट ऑफ क्यू कार्बन। ये 1 कैरेट क्यू कार्बन बनाने में मात्र 15 मिनट लगा है बच्चों को। इनिशियल रिसर्च क्रिएटेड क्यू कार्बन फ्रॉम ए थिन प्लेट ऑफ सफायर, सफायर के थिन प्लेट से साइंटिस्टों ने बताया बनाया है, कोटेड विथ एमरफस कार्बन, एंड प्रोसेस यूजेस ए हाई पावर्ड लेजर पल्स का इस्तेमाल किया बनाने में, सिमिलर टू लेजर यूज इन द लेजर आई सर्जरी। लेसिक लेजर भी होता है, लेजर होता है जिसमें कि आपको पता है कि दैट इज कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी किया जाता है, कैटरेक्ट हटाया जाता है अगर, दैट इज मोतियाबिंद का ऑपरेशन। लास्टिंग अप्रोक्सीमेटली 200 नैनो सेकेंड, है ना, रेजिंग द कार्बन टेम्परेचर टू अबाउट 4000 केल्विन, दैट इज लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड या 6700 फॉरेनहाइट तक ले गया गया एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रैपिडली कूल और क्विंच स्टेज विच प्रोवाइड द नेम क्यू, रैपिडली कूलिंग को करने, तेजी से गर्म करके तेजी से ठंडा करने को क्या कहते हैं बच्चों, क्विंच, क्विंचिंग, है ना, क्विंचिंग से क्विंच कार्बन बन गया। अब इसके प्रॉपर्टी आ जाइए, प्रॉपर्टी हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड है, कार्बन फेज है, फेरोमैग्नेटिक अनलाइक द अदर फॉर्म है, इट्स क्यूरी टेम्परेचर इज अबाउट 500 केल्विन। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, वो टेम्परेचर जिस पे कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में बन जाए, बदल जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूरी टेम्परेचर। एंड सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन वैल्यू है इसका 20 EMU/g, ठीक है। मिक्स sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म है इसका। इलेक्ट्रोड क्लाउड इज अबाउट सब्जेक्टेड टू रैपिड डिसोसिएशन विद इन द सेम फेज, बिकमिंग फेरोमैग्नेटिक हो जाता है ये, ओके। इट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है, ग्लो व्हेन एक्सपोज टू दैट इज एनर्जी, इवन लो लोअर लेवल ऑफ एनर्जी पे भी ये ग्लो करेगा। और हार्डनेस इसका मेजर किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हार्डनेस इसका है 30 दैट इज नियर अबाउट 35 GPa कंपेयर टू डायमंड जिसका 21 GPa है। तो इसलिए ये ज्यादा हो जाएगा अगर ये, अगर IUPAC ने इसको मान लिया अभी सब जगह से। इसका एप्लीकेशन देखिए, इस पे एप्लीकेशन पे IAS में सिविल में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, स्टिल डेवलपमेंट स्टेज में है, जैसे आपको स्टेम सेल पे आपको फुल क्वेश्चन आ चुका है, स्टेम सेल थेरेपी पे, स्टेम सेल भी तो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, कहीं पे दावा किया जा रहा है बट नॉट टर्म अगर हम सही से नहीं कर सकते हैं क्या, स्टेम सेल थेरेपी में जो दावा किया जाता है कि 80 डिफरेंट डिजीजेस से हमको सुरक्षा मिल जाएगी, वेदर इट इज राइट एंड रॉन्ग। मैं तो पूरे दिल्ली के टॉप जितने डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं वो सब जगह सर्वे करके बैठा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी डाउटफुल एंड इट इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल है, लेकिन सिविल सर्विसेज में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, फुल 10 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है ना। लेकिन अब क्यू कार्बन का क्या क्या हो सकता है बच्चों,
ये कुड बी फॉर्म इनटू नैनोनीडल, नैनोनीडल बनाने में जैसे इंसुलिन का दिया जाता है इंजेक्शन, माइक्रोनीडल्स वही बात हो गई, नैनोडॉट्स में लार्ज एरिया डायमंड फिल्म बनाएगा, एकदम कागज के जैसा पतला फिल्म बन जाएगा इसका, एप्लीकेशन फॉर द ड्रग डिलीवरी में काम आएगा। आपको पता है कि वर्ल्ड में अभी हमारे जो मेडिकल टेक्नोलॉजी में मेडिसिन में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है, सर्जरी में हम उससे आगे निकल गए हैं, तो ड्रग डिलीवरी हम कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो ड्रग के डिलीवरी में मतलब जितना हमारे सेल को रिक्वायर्ड है उतना ही ले, ठीक है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी वही काम करेगा कि जितना हमारे सेल में एंटीबायोटिक की जरूरत है उतना ही मिलेगा लेगा, बाकी हमारा बॉडी एक्सेप्ट ना करे। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस फॉर द क्रिएटिंग हाई टेम्परेचर स्विचेस बनाने में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुड बी यूज टू क्रिएट न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। आपका जो ये मोबाइल है वो एकदम कागज के जैसा थिन हो जाएगा, इतना दावा किया जा रहा है क्यू कार्बन पे। तो काफी लंबा टॉपिक हमने डिस्कस किया है ना। जय हिंद नरेंद्र सिंह, कैसे हो, पढ़ रहे हो ना मुखर्जी नगर में, एडमिशन तुमने ले लिया है तो वेलकम है। मैंने फोन लगाया भी था, आई थिंक आपने फोन किया था, गुड है, बहुत बढ़िया। एमआर पस फॉर्म, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में मतलब बच्चों हमने आपको बता दिया कौन कौन सा, तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस एंड क्यू कार्बन। नाउ एमरफस फॉर्म में, एमरफस जिसका फिक्स शेप नहीं होगा, कोल आ जाइए, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सम फ्री कार्बन होते हैं, ओके, प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, का दैट इज आपको पता है। ओके नरेंद्र सिंह, हाँ तो मैं आऊंगा क्लास लेने बच्चों का, 5th of January से मैं वहां क्लास शुरू करूंगा आपके बैच में, गॉट इट, 5th of January से आ रहा हूँ, ओके, एक्सपेक्टेड टू बी हेड ऑफिस आई एम ऑलरेडी टेकिंग, वहां पे मैं लूंगा आपको क्लास, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, आइए मेरी प्रीवियस सभी क्लास देखिए, केमिस्ट्री की क्लास देखिए है ना, फिजिक्स की क्लास देखिए, बायो की क्लास देखिए, इकोनॉमिक्स देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी भी मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ शुरू किया हूँ, तो ये सभी क्वेश्चन क्लास आप देखते जाइए। हाँ प्रीवियस सारे लेक्चर देखो बच्चों, लगभग 100 लगभग हमारे वीडियो हैं, और मुखर्जी नगर में हमने गाने गाए हैं है ना, रिपब्लिक डे में अपने जन्मदिन पे पार्टियां होती हैं, उसका भी वीडियो आपको एंटरटेनमेंट चैनल पे मिल जाएगा। हाँ NDA फर्स्ट में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए ना, कोई बात नहीं बच्चों। ये नरेंद्र सिंह जस्सी बोल रहा है क्या, नरेंद्र सिंह जस्सी है या नरेंद्र सिंह जिसने एडमिशन लिया है मुखर्जी नगर में, बताओ कौन हो, नरेंद्र सिंह जस्सी हमारा अनअकैडमी का स्टूडेंट है जिसने दोनों क्लियर किया था अभी अभी NDA, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कॉन्फ्रेंस आउट में, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, कार्बन कंटेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ कोल, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों, खूब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सबसे लो इंफीरियर क्वालिटी का बच्चों होता है पिट, पिट में कार्बन कंटेंट 27% अप टू 60%। हाँ जस्सी हो, बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हो, आगरा में आप पढ़ रहे हैं, दयाल बाग में, मैंने आपको बताया था कि दयाल बाग में मैंने हिंदी लिटरेचर पे भी कुछ काम किए हैं, लिखे हैं दयाल बाग यूनिवर्सिटी के लिए कंटेंट में, और वो कहाँ पे है, प्रियांशी नागपाल, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती, प्रियांशी कहाँ पे है, बोलो क्लास ज्वाइन करें बच्चों, सभी को बोलो कि यहाँ पे लाइव हो जाए 10:30, हाँ 10:30 पे लाइव हो जाए रोज, ठीक है। प्रियांशी तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। पिट होता है बच्चों मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी का होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट होता है 28-30% अप टू मैक्सिमम 70% होता है, हाँ दयाल बाग में तुम्हारे साथ पढ़ रही है। ब्राउन कोल होता है, पिट को कहते हैं इंफीरियर क्वालिटी, और पूछा गया कि ब्राउन कोल किसको कहते हैं, तो दैट इज लिग्नाइट को। बिटुमिनस और ब्लैक कोल होता है, 80% कार्बन होता है उसमें, हाउस होल्ड कोल है, सॉफ्ट कोल कहते हैं बिटुमिनस को, सॉफ्ट कोल कहते हैं, हाउस होल्ड कोल है, घरों में पूछा जाएगा कि कौन सा कोयला यूज होता है, तो
तुमको बिटुमिनस यूज होता है, और सबसे टॉप क्वालिटी का एंथ्रेसाइट जिसमें 96% कार्बन है, मोस्ट सुपीरियर है, लस्ट्रस है, हार्ड कोल कहते हैं इसको, हार्ड कोल। 2006 में हमने वहां काम किया था बच्चों, हिंदी लिटरेचर पे है ना, व्याकरण पे, मेरा हिंदी एक IAS में मेन में पेपर भी रहा है, और आप सुन के आश्चर्य होगा आपको, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, टोटल उनका सीटेट का कंप्लीट कोर्स कराता हूँ जो आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी आपके पास खाली मैं डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट टू क्लियर, दैट इज मेक जस्टिस विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। यूज ऑफ द कोल देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्यूल है ना, गैसेज लाइक कोल गैस बनाने में, वाटर गैस बनाने में, और प्रोड्यूसर गैस बनाने में, ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, ये सभी आने वाले हैं। अच्छा नरेंद्र सिंह जस्सी, अगर आपने मेरी क्लास तो की है अनअकैडमी में, आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। जो 6 सितंबर को पेपर था तो उसमें आपने देखा कि मेरे 45 क्वेश्चन एज इट इज आए थे। अब आपको देखिए, इस क्लास को कंपेयर कीजिए और जो मैंने पहले पढ़ाया है कीजिए, इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, एंड स्टिल आई एम प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग ऑल द मटेरियल्स लेक्चर डे बाय डे, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, कुछ कम होता है, तो स्टिल इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने मेरी पूरी कोर्स की है फिर भी अगर मेरे क्लास में बैठेंगे तो आपकी कलम चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हाँ, 45 आउट ऑफ 50 आए हैं, देखो जी बच्चों, ये नरेंद्र सिंह जैसी लिख रहा है, तो उसके बाद इस बार 50 का मेरा दावा है कि 50 आना चाहिए। और आप क्वेश्चन देखिए, आप अपना नोट्स देखिए जाके, कार्बन एंड कंपाउंड, और इसको देखिए, ठीक है। साइंस यस, आउट ऑफ 50 45 क्वेश्चन कम टू माय क्लास, दैट इज क्लास नोट से आया है। अभी CAPF में भी वैसे ही आया है बच्चों, CAPF में हूबहु क्वेश्चन आए हैं जो कराए गए हैं, ठीक है। कोल का इस्तेमाल एज ए फ्यूल भी होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल होता है, कोक, नेचुरल गैस, ये सब ऑनलाइन बातें हो रही है, आपके रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं, आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सोर्सेज ऑफ बेंजीन भी है, कोल, टॉलिन है, फिनॉल है, एनिलीन है, नेफ्थलीन है, फेनेथ्रीन है, और एंथ्रासीन है, ये सभी। डिट्टो क्वेश्चन से कॉपी से, तो ये आपको अनुज सर ने भी बोला था, मैंने भी बोला था, और ये हकीकत है। अब आ जाइए चारकोल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग से बनता है चारकोल, नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी हमने ऐड किया है बच्चों। टाइप्स ऑफ चारकोल देखिए, वुड चारकोल होता है, हाईली पोरस होता है, छेद होता है उसमें, यूज एज एडजॉर्बेंट फॉर द गैसेस एंड इन मेकिंग गैस मास्क, ठीक है। बच्चे नरेंद्र, हमको फोन करना कल, बताना कि क्या क्या आया है क्वेश्चन, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा डिस्कस करना मेरे साथ, बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी आपकी क्लास एक और तो अभी SSB बाकी है ना, आप NDA फर्स्ट से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, पांचवें दिन आप निकले हैं, तो सेकंड बाकी है अभी, तो वी विल वर्कआउट ऑन दिस। एनिमल चारकोल आ जाइए, जिसको बोन चारकोल कहते हैं, प्रिपरेशन उसका किया जाता है, वही डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, है ना, कार्बन कंटेंट इसका 10% होता है, एंड यूज फॉर डिकलरिंग सुगर सीरप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुगर, इसीलिए सुगर को हम लोग उतना प्योर नहीं मानते, और गुड़ इस्तेमाल होता है, दैट इज इन द व्रत त्योहार में, ठीक है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है, एनिमल चारकोल का। उसके बाद आ जाओ सुगर चारकोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमॉर्फस कार्बन है बच्चों, एंड ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब प्योर H2SO4 ऑन केन सुगर पे, केन सुगर है C12H22O11, उस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 का एक्शन होता है तो कार्बन बनेगा, 12H2O निकल जाएगा, ठीक है ना, सुगर चारकोल हो गया ये, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक काजल होता है, काजल जो लगाते हैं आंखों में, ठीक है ना, इट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग कार्बन रिच ऑयल इन एन इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर, एयर की कमी की स्थिति में अगर हम लोग उसको बर्न करते हैं तो काजल बनता है, दैट इज लैम्प ब्लैक कहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म आ जाओ कोक। एमआर फर्स्ट फॉर्म में कोक ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, गॉट इट, 85-95% कार्बन कंटेंट होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। CO2 यूज्ड इन दैट इज फायर एक्सटिंग्विशर, इससे CO2 रिलीज होगा, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक है। आपको मैं चार तरह के फायर एक्सटिंग्विशर कराता हूं क्लास में, और सभी में मैक्सिमम हमको क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को डिसरप्ट करना होता है ना कंबस्टेबल सब्सटेंस से, तो उसमें CO2 का यूज किए हैं, यूज ऐसा हम कॉम्बिनेशन लेते हैं कि CO2 रिलीज हो, है ना। ब्लास्टिंग इन द कोल माइंस में इसका इस्तेमाल होता है कोक का, एज एन एरोसोल प्रोपेलेंट यूज होता है, और इन फ्लैटिंग द लिफ्ट राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, गॉट इट। अब आ जाइए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिससे कि काफी चीज बनाया जाता है, इस प्रोसेस को आप समझिए, ठीक है ना। केमिकल प्रोसेस है इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोसेस इन द अनप्रोसेस मटेरियल, ना प्रोसेसिंग उसकी नहीं कोई, डिकम्पोजिशन किया जाता है बिना प्रोसेस ऑफ मटेरियल का, इज अचीव बाय हीटिंग इट टू द हाई टेम्परेचर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या एयर में किसी चीज को हीट करना, है ना, गर्म करना, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है ना। इट अप्लाइज टू प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, और नहीं तो इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और अदर रिएजेंट कैटलिस्ट ऑफ सॉल्वेंट सच एज स्टीम और फिनॉल के प्रेजेंस में। इट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का एक तरीका है बच्चों, यहाँ पे देखो कोल है, हीट करते हैं, है ना, बर्निंग कोल गैस यूज करते हैं और वाटर से वो दैट इज पास करेंगे तो क्या बनेगा, कोल टार, है ना, कोल्ड वाटर में कोल टार होगा, ठीक है, तार कोल जिसको कहते हैं। अच्छा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकअप एंड क्रैक लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में छोटे में यूज होता है, है ना। एग्जाम्पल जैसे कोक को तोड़ने में, कोल गैस को, गैस कार्बन को, कोल तार को, अमोनिया को, लीकर को, एंड कोल कोल ऑयल कमर्शियल प्रोड्यूस बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इन सभी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनाते हैं बच्चों। तो आपका ये तो 2020 इज नाउ गोइंग टू एड्यू, खत्म होने वाला है, गुड बाय होने वाला है, एंड वी ऑल हैव टू वेलकम 2021। नरेंद्र सिंह जस्टी, सब बातें जो आपकी फर्स्ट थी वो पहले 2020 में रह गई, और 20 में आपने लर्न किया, 2021 में आप क्लियर करेंगे, आइदर वी लर्न और वी दैट इज सक्सीड। फेलियर का तो कोई चांस ही नहीं है, फेलियर तो आप हुए ही नहीं है, ये कभी मत समझिए कि आप फेल हो गए हैं नरेंद्र। और आपका जो बैच था, जो उसने परफॉर्मेंस किया है बच्चों, इनको मैं तो आप सभी को बताऊं कि नरेंद्र सिंह जस्सी जिससे मैं बात कर रहा हूं, इसके बैच में एक अभिषेक सिंह है बॉम्बे से, वो दवा की दुकान चलाते हुए मेरा खाली स्पेशल क्लास क्लियर करके दोनों एनडीए क्लियर किया है, दोनों एनडीए क्लियर किया है अभिषेक सिंह स्पेशल क्लास में। मेरी इतनी ज्यादा मतलब कि बच्चों में वो इंटरेस्ट था कि इट इज माइंड ब्लोइंग। तो इसलिए आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीजन क्या है कि स्पेशल क्लास आपके को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंप्लीट पिक्चर देता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मैं कराता हूं उसमें यूपीएससी का पूरा पिटारा होता है, ठीक है। तो ये बात जो समझ जाएगा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, आप कोचिंग में आते हैं, आप हम लोग से पढ़ने आते हैं, रीजन क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि हम कहां से पढ़े और कितना पढ़े, और इसी की ट्रेनिंग हम लोग बच्चों देते हैं। अतुल मीना, है ना, जितने बच्चे हैं आप भी तो बहुत समझदार हैं, आप तैयारी भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो मैं आपको देखते होंगे कि जो भी बच्चा एक बार मेरे क्लास में आ जाता है, मेरे को दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन बच्चा है, कहाँ से है, कैसे है, और मैं पर्सनली टॉक भी करता हूँ बच्चों। तो आप इस बात को मान के चलिए कि आपका सक्सेस हमारा सक्सेस, वी ऑल आर वर्किंग फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसमें हम एक पार्टिसिपेंट हैं, कि एक मेन काम तो आपका है, तो हमारा जो भी काम होगा आपकी सफलता के लिए होगा। तो दैट्स वाई इफ एनी सजेशन is there, all of you, I am humbly
प्लीडिंग बिफोर यू कि अगर कोई सजेशन है तो हमारे पैराडाइज के स्टडी कैंपस पे सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जरूर दें, आप अपना ग्रीवांसेस बोलें और मैं तो यहाँ पे लेक्चर देने के लिए बैठा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे हर चीज वो गाइडेंस देता रहूंगा। वॉट एवर आई हैव लर्न इन माई लाइफ इट इज द ट्रेजर फॉर ऑल ऑफ यू, ट्रेजर फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे सभी सीखे हुए चीजों का ट्रेजर आपके पास है, उसका लाभ उठाइए बच्चों और पैराडाइज स्टडी कैंपस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। अब ये 1000 नहीं हुआ है अभी तक, 1000 सब्सक्राइबर फटाफट बना दो बच्चों और आपको यहाँ पे सर्विस जो मिलेगा वो आपके सक्सेस में एक माइलस्टोन होगा, ठीक है ना। कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग मेरा काम है, कंसेप्ट मैं डेवलप करूंगा आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, मेरा तो MCDS CAPF कभी नहीं है, मैं जानता हूं कि जितना करा देता हूं वो काफ़ी सफिशियंट होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम लोग ऑप्टिमम हैं। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम या कोई भी UPSC का एग्ज़ाम कोई ये कह दे कि हाँ हम जो कराते हैं वही आ जाएगा तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं वो बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमारे परफॉर्मेंस पीछे से आए हैं, जो आपने सपोर्ट किया है, जो आपने उसको कहा है कि हाँ आगे भी आशा यही है कि आएगा। इसलिए किसी को कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारी क्लास कर ली है बस एंड हो गया, नो, आप अपना एफर्ट लगाइए। लेकिन मैं जो करा रहा हूं, मेरी फिर से बातें सुन लीजिए, जो मैं करा रहा हूं उसको जरूर करो, उसको तौलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखो, मैच करो और बताओ कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि नहीं। UPSC हैज नो फिक्स सिलेबस, बहुत अच्छी बात की आपने, एकदम ज्यादा दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो कभी कोई कह ही नहीं सकता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब बेलेजली के लाइफ में चौथे छठे साल में, राम कुमार त्यागी कैसे हैं, छठे साल में बेलेजली के उसमें शासन में है ना, लॉर्ड बेलेजली जो था, आर्थर बेलेजली उसका भाई था जिसने कि वाटरलू में जाके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, ठीक है। तो उसके छठे साल में आर्मी पे कितना खर्चा था, तो इतना था। ये सब NDA का क्वेश्चन आया है, न्यूमेस्मेटिक्स से आपको, सिक्के से क्वेश्चन, गुप्त पीरियड से आया है, CDS में, सो मेनी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड विच इज वेरी डीप एंड रिक्वायर दैट इज डीप कंटेम्पलेशन। आप एकदम एडवांस क्लास नहीं करा सकते, आंसर नहीं दे सकते। और जो हम सेल वगैरह बायोलॉजी में कराते हैं, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी कराते हैं, है ना, आपको कैसे मैं बता दूं कि हाँ डाइजेशन का खाली कार्बोहाइड्रेट पूछ लेगा, फैट पूछ लेगा, प्रोटीन पूछ लेगा, वन वर्ड का क्वेश्चन आपको पढ़ने से UPSC बच्चों क्लियर नहीं होगा, UPSC का कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है। बोलो राम कुमार, गलत बोल रहा हूं मैं? तो इसलिए आपको सिलेबस तो है ही नहीं, आपको पैटर्न पकड़ना है और उसी पैटर्न पे हम लोग भी तैयारी कराते हैं। हमारी भी आपके क्वेश्चन जो आते हैं उसका रीजन यही है कि हम उस पर दिन रात काम करते हैं कि कैसे क्वेश्चन कराया जाए कि ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। अभी आपको जो भी एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन हमें यहीं से कोशिश करता हूं कि डिस्कस किया जाए ताकि आपका दिमाग जो है उसी क्वेश्चन पे, उसी टॉपिक पे घूमने लगे, आप उसी पे सोचने लगे, आप वही तैयारी करें। अभी मैं देख रहा था, मैंने CDS का जो मैं बैच ले रहा हूं अभी आपको बता रहा हूं, लक्ष्य CDS 2021, उसमें बच्चे लिख रहे हैं कि 11-12 का नोट्स ले लो किसी से, उससे तैयारी करो। अरे भाई, मेरे नोट्स किसी का नोट्स से कोई फायदा नहीं होगा, आपको अपना नोट बनाना है, ठीक है ना। प्रीवियस को मस्ट टू डू, व्यास नरेंद्र सिंह मस्ट टू डू, कैवेलियर एकेडमी में जो हमने सालों से बच्चे रिजल्ट दिए हैं वहां पे क्या होता है, बच्चे जो पढ़ के आते हैं बाद में जाके जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तब कहते हैं कि हाँ सर जो आपने कराया वही आया है, जो कराया वही आया, यही क्वेश्चन हमारे, यही हमारे को फीडबैक मिलता है। तो इट इज नॉट दैट इज स्ट्रेंज, क्वेश्चन ना आए वो स्ट्रेंज है, ठीक है। जो अभी CAPF का पेपर हुआ है उसके लास्ट के लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे, मतलब हमने एक बच्चे को संतोष हमसे कहा कि फिजिक्स का रिवीजन करा दीजिए, फिजिक्स का रिवीजन कराया और उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो घंटे डेढ़ घंटे में, जबकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था उस समय। तो आपको पता लगना चाहिए, आपको भी पता लगना चाहिए, तभी तो आप तैयारी करेंगे। तो आप उस पे आइए
और डोंट थिंक कि आपने 12th में बहुत अच्छा किया हुआ है तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा ब्राइट करियर रहा है वही आ जाएगा। नो, हो सकता है गॉड आपको सपोर्ट करे कि वही आ जाए, लेकिन लीक से हटके आपका है सिलेबस यहाँ पे, और वो सिलेबस आपको प्रीवियस ईयर का देता है, क्वेश्चन बताता है। बच्चों कल भी मैं लाइव हो जाऊंगा, रोज मैं क्लास दूंगा, कल दिन में भी क्लास दे सकता हूं, बट 10:30 इज नाउ सर्टेन, 10:30 पे आप रोज आइए। अगर आप भारी मात्रा में आते हैं तो आपको मैं जीएस का सभी सब्जेक्ट यहां डिस्कस करने के लिए बाउंड हूं। हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग आप देखते जाइए, तब तक आप होमवर्क कीजिए, प्रीवियस रिकॉर्डिंग को देखिए, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग से मेरा केमिस्ट्री शुरू होता है, मैटर इन सराउंडिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक थ्योरी, सभी कुछ, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट, काफी लेक्चर आपको मिल जाएगा इसमें, फिजिक्स में भी काफी लेक्चर मिल जाएगा। और जो आपको समझ में आए पढ़िए, नहीं तो यहाँ पे आ जाइए फिर लाइव क्लास में। अगर आप यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे तो आई एम रेडी टू टॉक विथ यू ऑल ऑफ यू यंग ब्लड, जो फ्यूचर ऑफ द इंडिया है आप ही के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है बच्चों, है ना। भविष्य है आप वर्ल्ड, दैट इज भारत के भविष्य में आपका नाम आता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज जो यंग है वही कल चल के एडल्ट होगा, और आपकी मैच्योरिटी के साथ आप किस जगह पे खड़ा होंगे, मेरी बातों को नोट कीजिए, आप फिर बताएंगे कि हाँ सर ने क्या कहा था। मेरे को लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, हो चुका है कि मेरे को लगता है मैं किसी को हल्के में नहीं लेता हूं। इवन जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो सक्सेसफुल पर्सन है उनका लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल से शुरू हुआ है, एंड सो मेनी, एक दो नहीं, बॉर्न टैलेंटेड बच्चों हजारों में एक होते हैं, सौ में एक दो बच्चे होते हैं बॉर्न टैलेंटेड, ऑल आज तो दैट इज सक्सेसफुल पर्सन आर मेडियोकर। गांधी जी खुद ही 45 साल तक क्या थे आपको पता नहीं है, 12 के एग्जाम में वो उनका एडमिशन हुआ था अहमदाबाद में, और एक दो साल पढ़े, एक साल डेढ़ साल पढ़े, कुछ समझ में नहीं आया, बोरिया बिस्ता लेके घर चले गए थे, और उनको पढ़ाई से बहुत डर लगता था। फिर उनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने 5,000 रुपया इकट्ठा करके बोला, फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई करमचंद को ब्रिटेन भेजो, तीन तीन स्टेट के दीवान थे उनके फादर, तो करमचंद को भेजा गया ब्रिटेन पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री, छोटी छोटी किताबें होती थी वही पढ़ के लोग बैरिस्टर हो जाते थे। वहाँ गए तो उनको पता चला कि भैया हमको तो इंग्लिश ही नहीं आती, फिर उन्होंने रोमन की ट्यूशन लगाई, रोमन पढ़ा, फिर उसे इंग्लिश ठीक हुआ, है ना। वकील बन के आए तो वकालत तो कुछ आती नहीं थी, तो एक अफ्रीका में एक यहाँ के मुस्लिम व्यापारी थे, उनका जो किताब लिखने के लिए कि उर्दू से इंग्लिश में अच्छा अनुवाद कर देंगे, उसके लिए वो साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में भी बहुत ही सिंपल पर्सन थे, और देन आफ्टर ही बिकेम द दैट इज स्ट्रेंथ गेन किया उन्होंने, और वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, और वहाँ पे आपको सत्याग्रह किया शुरू में 1906 में पहली बार, है ना। और आपको यहाँ पे 9th of Jan 1915 को इंडिया आए, उनके गुरु थे दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। तो उन्होंने देखा था अफ्रीका से ही कि भाई गांधी जी ने देखा कि गोखले बहुत मेडियोकर हैं और बहुत ही सिंपल पर्सन हैं, तो उनकी फिलॉसफी उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने गुरु माना। और उसके बाद गोखले ने कहा कि भाई इंडिया में आके कि भाई आप एक साल तक कुछ नहीं बोलोगे, 1 ईयर तक आपको खाली घूमना है और वॉच करना है स्थिति। तो गांधी जी से बहुत ज्यादा असहमति बच्चे व्यक्त करते हैं भगत सिंह को, ये कंपैरिजन छोड़ दीजिए, आप गांधी जी थॉट को समझिए, और न गांधी जी कभी भी ना भगत सिंह के विरोधी भी नहीं थे। तो उन्होंने 1 ईयर तक भ्रमण किया, और उसके बाद तीन छोटे छोटे आंदोलन किए, है ना, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और उसके बाद जब उन्होंने, है ना, 1920 में तिलक का डेथ हो गया 1 अगस्त को, और सारे बड़े बड़े लीडर तो जो थे वो हट गए, कोई नहीं रहते, अब गांधी जी का शुरुआत होता है। और उसके बाद 1919 से 1948 तक को कहते हैं गांधीयन एरा, गांधी युग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में क्या कहा है वो भी आपको किताब में मिल जाएगा, कि हार मांसधारी व्यक्ति गांधी नाम का व्यक्ति कोई इंडिया में कोई इस धरती पर विचरण करता था आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी,
ठीक है, दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ही मन मतलब अंदर कहीं गांधी छिपा हो, है ना, कहीं मार्टिन लूथर छिपा हो, कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन छिपा हो, है ना, कहीं मानिक शाह छिपा हो, कहीं तुमको बिपिन रावत छिपा हो, ठीक है, तो कुछ भी आप हो सकते हैं। इंडिया मतलब एक आदमी की पोटेंशियलिटी, फुल ऑफ पोटेंशियलिटी होता है। गॉड ने सबको दिया है चांस और सबको दिया है टैलेंट, ये आप जान लीजिए। कोई व्यक्ति चांसलेस नहीं होता इस लाइफ में, सबको चांस मिलता है, आपको भी चांस मिलेगा, तो आपको मैं कहीं भी कम नहीं आंक रहे हैं, और हम होप करते हैं कि हमको भी आप कम नहीं आंकेंगे। हमको आप कम आंकिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी प्रतिभा जानते हैं, हम आपको कम नहीं आंक रहे, हम आपका पूरा स्ट्रेंथ जानते हैं कि पोटेंशियलिटी आप में इतनी ज्यादा है। मैं फरीदाबाद में डायनेस्टी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा था, वहां पे एक है ना MBN है, मॉडर्न विद्या निकेतन, आपने सुना होगा, और वो एक शर्मा जी थे, उनको एक स्कूल साइकिल पे पढ़ाते थे और साइकिल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, जाके घूम घूम के स्कूल से निकाल दिया गया, और वो एक मतलब कि मॉडर्न स्कूल 17 सेक्टर में है, उसमें वो टीचर थे, उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद वो सबसे बदनाम जो बच्चे होते थे, जो किसी माँ बाप के हाथ में नहीं आते थे, वो बच्चे उनको देते थे शर्मा जी को, शर्मा जी उनको पढ़ाते थे, गोपाल शर्मा नाम था उनका, हमारे सामने उनका डेथ हुआ है, और उन्होंने वो उनको उस बच्चों को मतलब क्या बना के देते थे, वो गार्जियन ही देखता था, बड़ी पिटाई करते थे, बड़ी गाली देते थे, और आज वहां के DPS से भी टॉप स्कूल है MBN मॉडर्न विद्या निकेतन, एक 56 सेक्टर में है, एक 17 सेक्टर में है, 56 सेक्टर में है, उसमें ABCDEFGHIJ ऐसे करके उसमें सेक्शन है, वहां 8 टीचर खाली फिजिक्स के हैं 12 में पढ़ाने वाले। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हाँ दिल्ली में कोई ऐसा भी स्कूल है जिसमें 8 टीचर खाली फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो एकदम सिंपल से शुरू है। तो इसीलिए आपको मैं कहा कह रहा हूं कि सिंपल से ऊपर तक एम वेंकट स्वामी रामाकृष्णन, जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला है, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं तो एकदम घटिया कॉलेज से इसको पढ़ा ग्रेजुएशन तमिलनाडु में, फिर मैं अमेरिका गया, वहां भी एक घटिया कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन PG में एडमिशन हो गया पोस्ट ग्रेजुएट में, और मेरे को बराबर लगता था कि मैं कुछ मतलब एक बार कॉन्सेप्ट ही नहीं, एक बार फिर से ग्रेजुएशन कर लूं क्या। अब फादर ने भी कहा कि दो दो तरीके, दो दो तुमको रखना चाहिए ऑप्शन, कुछ और करना चाहिए, और उनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है 3-4 साल 5 साल पहले, इंडियन अमेरिकन है। तो इस तरह से ऑल पर्सन आर फुल ऑफ पोटेंशियलिटी, यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, यू हैव टू सबलाइम फेथ इन योर सेल्फ, एंड देन ओनली यू हैव सबलाइम फेथ इन द ह्यूमैनिटी। अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, आप जाके एक बार ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उन्होंने अपने बेटे के टीचर को जो लेटर लिखा है वो आप पढ़ लीजिए, और फिर मेरी क्लास में आइए। जय हिंद बच्चों, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट, एंड मैरी क्रिसमस, एंड विशिंग वेरी हैप्पी 2020 ईयर, दैट इज न्यू ईयर की भी शुभकामना भी से दे रहा हूँ। कल भी हम लोग मिलेंगे, और हमारे लक्स CDS 2021 ऑन अकेडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे एडमिशन पाइए। एब्सोल्यूट कोर्स ऑफ जनरल साइंस NDA 2021 चल रहा है मेरा, 135 लेक्चर का, और अगस्त बैच NDA के लिए